के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए मिडिल ईस्ट पीस प्लान दिया है। सालों से जारी लड़ाई को खत्म करने के लिए इसमें उन्होंने दो राष्ट्र का समाधान दिया। इस प्रस्ताव में यरूशलम को इसराइल की अविभाजित राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप ने इस प्लान को ऐतिहासिक और सदी का सबसे बड़ा समझौता बताते हुए दावा किया है कि उनके इस प्रस्ताव को दुनिया के नेताओं का समर्थन है। साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि ये इस विवाद का आखिरी समाधान है। ट्रंप के इस प्रस्ताव को जहां इसराइल ने ऐतिहासिक बताया तो वहीं फिलिस्तीन ने इसे खारिज कर दिया है। दुनिया में सबसे लंबे समय से चले आ रहे विवादों में से एक इसराइल फिलिस्तीन विवाद के स्थायी समाधान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व शांति योजना का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए दो राष्ट्र का समाधान दिया। व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होकर शांति योजना की घोषणा करते हुए ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक करार दिया। साथ ही संकेत दिए कि ये योजना इस विवाद को खत्म करने के लिए फिलिस्तीनियों के लिए आखिरी अवसर है। ये नक्शा फिलिस्तीनी क्षेत्र को दो गुना से अधिक कर देगा और पूर्वी यरूशलम में एक फिलिस्तीनी राजधानी प्रदान करेगा, जहां अमेरिका अपना एक दूतावास खोलेगा। कोई फिलिस्तीनी या इजरायली अपने घरों से नहीं बेदखल किया जाएगा। इसराइल एक अद्भुत शख्सियत, एक अद्भुत व्यक्ति जॉर्डन के किंग के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेगा कि टेंपल माउंट की यथास्थिति संरक्षित रहे और ऐसे मजबूत कदम उठाए जाएं ताकि सभी मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से अल अक्स मस्जिद में प्रार्थना कर सकें। हमारी दृष्टि नए फिलिस्तीनी राज्य में $50 बिलियन का बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक निवेश देगी। आपके पास ऐसे देश हैं जो इसमें भाग लेना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति योजना को पेश करते हुए कहा कि अमेरिका इसराइल के साथ एक ज्वाइंट कमेटी बनाएगा और एक विस्तृत मैप तैयार किया जाएगा ताकि जल्द ही इस प्लान को जमीन पर उतारा जा सके। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की योजना को इसराइल के लिए ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि वो इस योजना के आधार पर फिलिस्तीन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ये सदी का समझौता है जो कि सदी के लिए एक मौका है और हम इसे बेकार नहीं जाने देंगे। हम बात करेंगे उस भविष्य के बारे में। आज मैं दोहराता हूं, आपने अब तक इसराइल के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आप व्हाइट हाउस में इसराइल के सबसे बड़े मित्र रहे हैं और मुझे लगता है कि कल हम इतिहास बनाना जारी रख सकते हैं। वहीं फिलिस्तीन ने शांति फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर दिया। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ट्रंप की मध्य पूर्व शांति योजना को एक साजिश बताया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास ने कहा कि ट्रंप का प्रस्ताव पास नहीं होगा। मैं ट्रंप और नेतन्याहू से कहना चाहता हूं कि यरूशलम बिकाऊ नहीं है, हमारे सभी अधिकार बिकाऊ नहीं है और उन्हें लेकर किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। आपकी डील, आपकी साजिश कभी सफल नहीं हो सकती है। गाजा पट्टी में हजारों फिलिस्तीनियों ने इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं फिलिस्तीनी इस्लामी चरमपंथी संगठन हमास ने भी अमेरिका के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी फिलिस्तीनी कभी भी एक ऐसे देश को स्वीकार नहीं कर सकता जिसकी राजधानी यरूशलम ना हो। मुझे किस बात का इंतजार करना चाहिए? यदि यरूशलम इसका हिस्सा नहीं है, क्या हम यरूशलम के बिना एक राज्य को स्वीकार करेंगे? किसी भी फिलिस्तीनी, मुस्लिम या ईसाई बच्चे के लिए ये स्वीकार करना असंभव है, इसलिए हमने उन्हें शुरुआत से बताया, नहीं? अमेरिका और फिलिस्तीन के राजनीतिक संबंध नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि साल 2017 में अमेरिका ने इसराइल की राजधानी के रूप में यरूशलम को मान्यता दे दी थी और 2018 में अमेरिकी दूतावास यरूशलम स्थानांतरित करने का ऐलान कर दिया था। फिलिस्तीन ये जानता है कि अमेरिका के लिए उसका मित्र राष्ट्र इसराइल सबसे पहले है और बाद में दुनिया का कोई देश।
पीस फॉर्मूले के ऐलान के समय भी राष्ट्रपति ट्रंप और इसराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ फिलिस्तीन का कोई प्रतिनिधि नहीं था। साफ है कि फिलिस्तीन ने इसे एक तरफा डील मानते हुए नकार दिया है। ट्रंप के इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के क्षेत्रफल में किसी तरह की कटौती नहीं करने की बात फिलिस्तीन को मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।